नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आपके मन के कुछ सवाल वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो भी सवाले हैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और आज जब कोरोना से जंग जीतने के लिए हम सारे लोगों को वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है बहुत सारे सवाले उठ रही होंगे जो कि आपको कुछ डरा भी रही होंगी और कुछ बेचैन भी कर रही होंगी। तो आपके कुछ सवाले कॉमन सवाले हैं, जैसे कौन सा वैक्सीन सबसे ज़्यादा सेफ है, क्या मैं डायबिटिक हूँ, हाइपरटेंशन हूँ और हार्ट का पेशेंट हूँ तो वैक्सीन ले सकता हूँ या नहीं, वैक्सीनेशन के बाद मुझे क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं, और एक एडवाइस मैं भी दूंगा कि कौन से मरीज़ वैक्सीन ना ले। और कुछ सवाल ये भी है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद मैं दोबारा पॉजिटिव हो सकता हूँ। तो आइए इन सारे सवालों का मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये जाने कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन एक कोरोना वायरस का आरएनए प्लस कुछ केमिकल मिला के तैयार किया जाता है। इसमें कोरोना वायरस का आरएनए भी है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। जब उसमें हम कुछ केमिकल मिलाते हैं तो वो वायरस इतना इनएक्टिव हो जाता है कि आपके शरीर में जब दिया जाए तो वो इतनी तेज़ी से अपने आप को ग्रोथ नहीं कर सकता और आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। और उसी केमिकल से कुछ ऐसे भी उसमें इंग्रेडिएंट हैं केमिकल्स में जो कि आपके एंटीबॉडी को बढ़ाने में मदद करता है। तो हम लोग इसमें वायरस का आरएनए प्लस केमिकल आपके वायरस को वीक करके आपके बॉडी में रहने देगा और लाइफ लॉन्ग रहेगा वो, और उसी से कुछ एंटीबॉडी आपका धीरे धीरे बनता रहेगा ताकि जब भी आपके शरीर में वो वायरस घुसे तो पहले से एंटीबॉडी जो बन जाता है एक बार वो हमेशा आपके यहाँ जैसे जितना वायरस घुसेगा उसके हिसाब से वो एंटीबॉडी जनरेट करता है शरीर और आपको कोरोना वायरस से खतरनाक स्पेस में आने से बचाता है। हमारे यहाँ यूज़ वाले इंडिया में दो तरह की वैक्सीन है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। सारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या मैं कोवैक्सीन लूँ या कोविशील्ड लूँ, तो मैं बताना चाहूँगा कोवैक्सीन भारत बायोटेक बना रहा है, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है वो बना रहे हैं, एंड बोथ आर इक्वली सेफ एंड ऑलमोस्ट इक्वली इफेक्टिव। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले मेडिकल हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगाया और पिछले वर्ष बहुत सारे हेल्थ वर्कर मर जा रहे थे ड्यूटी करते करते, बट इस बार जबकि उससे ज़्यादा खतरनाक वायरस स्ट्रेन है तब भी इस साल रेयरली आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि हेल्थ वर्कर आर डाइंग। दिस मीन्स कि हेल्थ वर्कर जो वैक्सीनेट हो गए हैं उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हुई है और यही इम्यूनिटी सरकार चाह रही है कि आप लोगों के अंदर, आम जनता के अंदर मास वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनिटी डेवलप कर दिया जाए ताकि ये वायरस का नामो निशान ख़त्म हो। वैक्सीनेशन के बाद आपको थोड़ा बहुत फीवर, थोड़ा बहुत हेडेक, बुखार, शरीर दर्द ये सब हो सकता है। आप बिल्कुल ना घबराएं, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करें और बहुत ज़रूरत पड़ने पे पैरासीटामोल या डिस्प्रिन का टैबलेट खा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको शायद ही कुछ होने जा रहा है। डायबिटिक, हाइपरटेंशन और हार्ट वाले पेशेंट भी बहुत आराम से वैक्सीन ले सकते हैं। और जो एलर्जिक पेशेंट होते हैं या जिनको प्रेगनेंसी है या जो मदर अपने बच्चे को दूध पिला रही हो या कुछ ब्लड डिसऑर्डर के पेशेंट, ऐसे लोग डॉक्टरी सलाह के बाद ही वैक्सीन ले। और कुछ पेशेंट को हम लोग मना कर देते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है, जैसे कोई ब्लड कैंसर का पेशेंट हो या किसी भी तरह का पेशेंट कैंसर से गुजर रहा हो, उनकी इम्यूनिटी कम रहती है इसलिए हम लोग वैक्सीन देने से मना करते हैं। और आप एक बार अगर वैक्सीन लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा आपको कोविड नहीं हो सकता है। हो सकता है, कोविड वायरस जब भी आपके शरीर में आएगा आपका आरटीपीसीआर ट्रूनेट वगैरह पॉजिटिव आ सकता है, आपको कोविड हो सकता है। बट इसमें एक एडवांटेज ये रहेगा कि इस बार आपकी शरीर इम्यून है और आपके अंदर वो एंटीबॉडी पहले से डेवलप है और जितना वायरस अफेक्ट करना चाहेगा उतना नहीं कर पाएगा, आपके लंग को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके अंदर पहले से एंटीबॉडी जनरेट हो रखा है। इसलिए दोस्तों बिल्कुल ना घबराए, मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल हो। थोड़ी भीड़ भाड़ रहेगी, पेशेंस रखें,
आप अपने आप को ऐप के थ्रू जैसे भी हो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल करें। और अभी तक हमारे इंडिया में नो मास्क नो एंट्री हर हॉस्पिटल में हर जगह ये बोर्ड लगा हुआ है, और इसराइल अभी नो मास्क वाले कॉन्सेप्ट में आ गया है, और हम लोग को भी नो मास्क वाले कॉन्सेप्ट में आना है। इसलिए दोस्तों वैक्सीन करवाएं और सेफ रहें। थैंक यू।